बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबरक व तआला के फ़ज़्ल व करम से खैर व अफ़ियत से होंगे। आज 19 रबीउल अव्वल जुम्मा का मुबारक दिन है और इस दिन ये एक तस्बीह जो मैं आज आपको बताऊँगा इसको आपने पढ़ना है। ये तस्बीह सूरह यासीन की आयत नंबर 58 सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम की तस्बीह है। इस अमल को अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला एक ही दिन में आपका हर बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। मेरी वो बहन और भाई जो कि औलाद के हवाले से परेशान है, जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, उनके औलाद नहीं हो रही है, तो ये वजीफ़ा करने से एक ही दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अगर आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आपको जो है आपका हमल नहीं चाह रहा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको खुशखबरी सुना देंगे। वजीफ़ा करके अगर आपका कोई भी बड़े से बड़ा मकसद है जो कि पूरा नहीं हो रहा है, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये आयत इतनी ख़ास आयत है कि इस आयत को अगर आप अपनी किसी भी परेशानी को हल करने के लिए इसका विर्द करते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी आंखों के सामने ही ऐसे ऐसे मौजज़ात आपको दिखा देते हैं कि आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। क्योंकि ये जो आयत है ये सूरह यासीन का दिल है। सूरह यासीन जो है ये कुरान पाक का दिल है और ये आयत यासीन का दिल है। जब आप सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम इस आयत को पढ़ेंगे तो अल्लाह तबरक व ताला आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात अता करेंगे, जो भी आपके दिल में होगा, जो भी आपने सोचा होगा, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऊपर से ये जुम्मा का दिन इतना ख़ास दिन है, ये रबीउल अव्वल के इस ख़ास महीने में आया है और हमें इस दिन से पूरा पूरा जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह पाक से अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहिए। क्योंकि जुम्मा का जो दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मा के दिन अल्लाह तबरक व ताला दुआओं को बहुत जल्दी कबूल करते हैं, तो ये वजीफ़ा आपने जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद करना है। क्योंकि हजूर नबी पाक सल्लम का फरमान है कि जुम्मा का जो दिन है इसमें असर के बाद का जो वक़्त है ये कबूलियत का वक़्त है। इस वक्त दुआएं जो वो बहुत जल्दी कबूल होती हैं, तो आपने जो है जुम्मा के दिन असर की नमाज के बाद आपने सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम इस तस्बीह को आपने पढ़ना है। तस्बीह जो है आपने इस तरह से पढ़नी है, जब आप नमाज असर अदा कर लें, असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जाय नमाज पर बैठ जाना है। आपने सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम इसकी आपने इसको 1333 मरतबा 1333 मरतबा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है, जब तक कि नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आ जाता। उससे पहले पहले कोशिश करें कि इस तस्बीह को आप मुकम्मल कर लें। इसको आप एक मखसूस जगह पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं और चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं। अव्वल और आखिर दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है और दरमियान में जब आपने इस तस्बीह का विर्द करना है सलामुन कौलम रब्बिर रहीम 1333 मरतबा, तो आपने अपने मकसद का तसव्वुर अपने जहन में लाजमी रखना है और पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। यकीन कीजिए जो भी मांगेंगे, जो मकसद आपका जहन में होगा, वो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जारी समझ कर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाक